हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 70, इस बार का जो है वो 78th इंडिपेंडेंस डे है। कामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो देखिए, मैं भी थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। ऑरेंज ड्रेस मैंने पहनी है और ऊपर से वाइट जैकेट। तो मैंने काफ़ी पहले की ली हुई थी और कल से मेरे माइंड से निकल भी गया था। कल से मैं सोच रही थी कि यार मार्केट से कोई दुपट्टा वगैरह ले लूँ जिसमें ऑरेंज वाइट और ग्रीन कुछ बना हो। तो ये वाली ड्रेस मेरे को बिल्कुल माइंड से निकल गई थी। और कल मैंने साड़ी में रात को रील बनाई और मॉर्निंग में एक सूट निकाला जिसमें थोड़ा ऑरेंज पैचेस थे, जो कि कैमरा में ऑरेंज दिख भी नहीं रहे, पिंक दिख रहे हैं, और उसमें ग्रीन भी था। तो मैंने उसमें रील बनाई और जब मैंने अलमीरा खोली तो मुझे मेरी नज़र इस ड्रेस पर पड़ी। तो मैंने सोचा यार मेरे पास ऑलरेडी ऑरेंज ड्रेस थी और मैं क्या क्या करने जा रही थी। तो फिर मैंने बाद में इसमें भी रील बनाई एक। और अभी हम जा रहे हैं मॉल, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग नहीं, एक्चुअली शॉपिंग करनी है। जैसे कि आजकल कितनी सेल वगैरह लगती है वो तो मुझे लगता है ख़त्म भी हो गया होगा सारा माल जो सेल वाला होता है। हम बहुत ही लेट जा रहे हैं, थोड़ा पहले जाते। जुलाई वगैरह में तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब वैरायटी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं। अभी तो काफ़ी लेट हम जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है। टी शर्ट्स वगैरह देखनी थी कुछ। और अद्विक को भी, अद्विक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोल दो। अद्विक की आवाज़ ही दब गई। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं, देखते हैं मॉल में। आज हम वो वाले मॉल में नहीं जा रहे, एम्बियस मॉल, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया होता है, बट काफ़ी दूर है और मुझे ट्रैफिक का डर लग रहा है कि ट्रैफिक में ना फंस जाए। ऐसे लग रहा है ऐसी जगह जाएंगे जहाँ रश ना हो। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं इधर, लेकिन ये पहले सेंट्रल मॉल था और अब वो मतलब चेंज हो गया है। सेंट्रल मॉल अब ये है ही नहीं, है ना। सेंट्रा क्या है, अब ये सेंट्रो है। सेंट्रो अब शायद ये रिलायंस ने खोला है मेरे ख्याल से। देखते आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इधर, जब से सेंट्रल मॉल बंद हुआ है तो हम इसमें आए ही नहीं। तो अभी हमें आइडिया नहीं है इधर क्या मिलेगा क्या नहीं। और बट मन था मेरा कि बहुत मतलब ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, क्राउड में नहीं जाना है और ट्रैफिक भी नहीं मिलना चाहिए, तो इधर के पास ही है। पर जिस चीज़ के लिए आए हो वो तो मिलनी चाहिए, वो पता नहीं। शॉपिंग कर बहुत दिन हो गए आदमी को शॉपिंग किए हुए और इनको भी, तो मेरी तो अपनी चली रहती है ऑनलाइन, इनकी शॉपिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो आसानी हो पाएगी शॉपिंग या नहीं। और तो पहले हमारी जो शॉपिंग थी ना, वो मोस्ट ऑफ द शॉपिंग हमारी सेंट्रल मॉल से होती थी क्योंकि घर के पास भी था। जब से वो बंद हो गया था ना तो हमने फिर एम्बियस मॉल ही जाते थे, लेकिन यहाँ पे अब काफ़ी टाइम से ये शायद रिलायंस ने ले लिया है और अब इसको सेंट्रो के नाम से जानते हैं। बट हमें कोई चेंज नहीं लगा, जैसे सेंट्रल मॉल में था ना सेम वही पैटर्न में उन्होंने सारे डिस्प्ले किए हुए थे। हमें यहाँ पे यूज़फुल ये लगता था कि यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं ना सारे ओपन में डिस्प्ले है, ऐसे एक्सक्लूसिव शोरूम में नहीं जाना पड़ता अलग अलग, सब ओपन में है सारे ब्रांड्स के। तो इसलिए हम सेंट्रल मॉल से शॉपिंग करते थे और इन्होंने भी सेम वही प्रोसीजर मतलब अपनाया है तो हमें अच्छा लगा और यहाँ बहुत अच्छे से हमारी शॉपिंग कर रहे हैं। घर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी तो शॉपिंग अच्छे से हो गई इनकी, मैंने तो ज़्यादा नहीं की, मैंने कुछ बस एक टी शर्ट लिया हो गई और यहाँ पे बहुत अच्छे से हुई। हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम लोग ये वाले मॉल में आए और एम्बियस मॉल में नहीं गए क्योंकि हमें पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला था और फिर ट्रैफिक भी हो जाता है और ट्रायल रूम में भी बहुत रश मिलता है। यहाँ पे बड़े पीसफुल वे में हमारी शॉपिंग हो गई और अच्छे से, वैरायटी भी अच्छी थी और क्राउड नहीं था बिल्कुल भी, तो मज़ा आया। बस अब घर जा रहे हैं और भूख भी लगी है। यहाँ पे ये था कि जैसे कि यार इंडिपेंडेंस डे है तो ऐसी कोई डेकोरेशन नहीं थी कुछ भी, और खाने के लिए भी यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ये था कि फूड कोर्ट नहीं है, तो अब बिल्कुल लग गया भूख। अब देखते हैं बाहर खाते हैं क्या, और एम्बुलेंस में हो जाता है कि सारे काम वहीं पर हो जाते हैं, फूड कोर्ट भी वहीं पर है तो आराम से खाना वाना खा के आते हैं। चलिए, एफएम चल रहा है और मैं बोली जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर दूँ।
देखते हैं, नहीं तो यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग की। और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। सेक्टर 29 में आए हैं क्योंकि हमने ना लंच नहीं किया था, भूख ही नहीं लग रही थी उस टाइम, जबकि घर में सब्जियां भी बनी हुई पड़ी थी, बस चपाती लगानी थी, बट बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। और आबादी के पेट पे चूहे कूद रहे हैं, तो देखते हैं अभी यहीं पे 29 में रात को। देखो ये 29 सेक्टर कितना ही कितना ब्यूटीफुल लगता है, और अभी तो पता भी नहीं चल रहा कि 29 सेक्टर है, अभी पता भी नहीं लग रहा 29 सेक्टर में। रात को जगमग जगमग और डीजे की आवाजें बहुत ज्यादा 8 बजे के बाद। तो गाइस हम लोग यहाँ मेल्टी में आए हैं, यही सबसे इजी मतलब जल्दी फास्ट फूड है, मतलब इजीली इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यही करेंगे अभी हम। भूख लग रही है सबको बहुत ज्यादा, मतलब टाइम लग गया बनने में और भूख लग गया। टाइम देख लो 7:15 यहीं पे हो गए हमारे, अब निकल रहे हैं घर के लिए। चलो ये रखा उधर बेड वाले में, होगा इस पुलिस सभी से यहाँ पे आ गई है, क्योंकि बहुत रश होता है रात को यहाँ पे। हम तो यहीं पे ट्रैफिक में फंस गए, देखो कितना लंबा जाम लग गया। ये देख लो अभी 29 सेक्टर भरने वाला है, सब लोग 29 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रैफिक जाम हो गया है।